नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। तो आज मैं वर्णमाला भाग दो स्वर लेकर आई हूँ और इसमें सिर्फ स्वर पढ़ाऊंगी मैं आपको कि स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वर के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से वर्ण हैं जो डिवाइड हैं, उनका नाम क्या है, किस आधार पर वो बोले जाते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो स्वर की परिभाषा होती है कि वर्णमाला के वे वर्ण, वर्णमाला के वे वर्ण जो अन्य किसी दूसरे स्वर वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, यानी कि स्वर उन्हें कहते हैं जो जिन्हें जो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती। ठीक है, यानी कि स्वर उन्हें कहा जाता है जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिनके जिनको उच्चारित करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया आपका। आप देख लेते हैं कि स्वर हमारे कितने कितने स्वर हैं हमारी वर्णमाला में। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह। बस कितने स्वर हो गए टोटल? ग्यारह स्वर हो गए। ठीक है, उसके बाद जो ये बचते हैं ये दोनों अयोगवान कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अयोग वाह, इन्हें क्या कहते हैं? अयोग वाह। ठीक है, कौन किसको? इनको, इनको जो है अयोग वाह कहा जाता है। बाकी ये जो सभी हैं ये स्वर हैं और स्वरों की संख्या कितनी है? ग्यारह है। कितने स्वर हैं? ग्यारह। ठीक है, लेवल। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आप देख लेते हैं कि जैसे स्वर तो हमारे ग्यारह हैं, दो अयोगवान हैं, तो इनके इनके भेद कितने, ये कितने भेदों में बटे हुए हैं, विभाजित किए गए। तो आइए देख लेते हैं स्वरों के भेद। तो पहला होता है इनका समय के अनुसार स्वरों के भेद। अगर मैं वैसे बताने की कोशिश करूं कि स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से इनके तीन ही भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, जिन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, लघु स्वर भी कहा जाता है, और जो है ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा है इनका दीर्घ स्वर, यानी जो ह्रस्व स्वर होता है, मूल स्वर होता है, उन्हीं का डबल डबल करके जो है ये दीर्घ बन जाते हैं, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अभी मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है कि जो ह्रस्व स्वर होता है उसका तीन मात्रा का समय लगता है प्लुत स्वर में। आइए देखते हैं कि कौन कौन से स्वर हैं जो मूल स्वर होते हैं। तो मूल स्वर जो है वो है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, तो ये चार जो है ये मूल स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अब मैं यहाँ छोटा छोटी क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हमें अलग करना है। वैसे हम पढ़ते हैं आ ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर बताना है, अलग करना है, तो इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि छोटा छोटी, छोटा ऊ और री। ठीक है, तो ये तो मूल स्वर हो गए। अब उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? इन्हीं का डबल होता है, यानी कि छोटा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा, बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी बराबर बड़ी, छोटा हो छोटा हो बराबर बड़ा हो। ठीक है, और इसका ग्री का भी बड़ा होता है, पर स्वर में हमारे स्वर में इसको बड़ी को सम्मिलित नहीं किया गया। जो इसका डबल रूप होता है उसको सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि इसका भी डबल रूप होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर री का जो डबल रूप होता है वो क्या होता है? जैसे मिलते हैं पितृ, ये पितृ लिखा, पितृ का मतलब होता है पितर, यानी पिता। ठीक है, अब प्लस ये है ऋण,
कैसे लिखा? हमने पहले एक लगाया, उसके बाद एक और लगाया और फिर आड़े लिख दिया। अब ये डबल हो, पर इसको वर्णमाला में सम्मिलित नहीं किया गया है, सिर्फ शब्दों में लिखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और ठीक है, तो ये समझ में आया कि दीर्घ क्या होता है? छोटा, छोटा बराबर बड़ा, यानी कि बड़ा जो है ये दीर्घ स्वर है। ऐसे ही छोटी की, छोटी की बराबर बड़ी ही, बड़ी ही जो है वो दीर्घ स्वर है। छोटा हो, छोटा हो बराबर बड़ा हो, तो बड़ा हो जो है वो दीर्घ स्वर है। और ई का बड़ा हो इसमें सम्मिलित नहीं है वर्णमाला। तो और कौन से है? तो ये भी ए आए हुआ है, तब आप
आपको संयुक्त स्वर लगाना है, दीर्घ नहीं लगाना, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि संयुक्त स्वर में ये कहा जाता है कौन कौन से हैं, ए जाता है, यानी कि
जो पीछे का भाग होता है वो इसके उच्चारण में योगदान देते हैं, ठीक है, जीभ के पीछे के क्या जो भाग होता है। तो ये जो पश, ये पश शब्द कौन कौन से हैं, आ, ओ, ओ, औ, ठीक है। अब इसके बाद है होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। जो हमारे होठ है, मुख विवर है, इसकी आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद है, यानी कि कौन कौन से ऐसे स्वर है, सभी स्वर है, ठीक है, सभी स्वर है जो होठ से बाहर निकल के आते हैं, तो किस प्रकार होठों की आकृति बनती है, कौन से स्वर का उच्चारण करते समय ये देखें। तो होठों की आकृति के आधार पर स्वर के जो भेद है वो चार भेद है। पहला है समृद्ध स्वर। समृद्ध का मतलब होता है थोड़ा खुला हुआ, थोड़ा खुला, ठीक है। और कौन से है, ई-उ-री, यानी कि ऐसे बोलते हैं, ई-उ-री, मतलब कि सिर्फ वो सांस निकलने के लिए जगह होनी चाहिए, बाकी खुलने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे कौन से स्वर है, कौन कौन से, ई और री, यानी कितने हो गए, पांच, कितनी स्वर है ये, पांच स्वर, ठीक है, पांच स्वर। अब दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, यानी कि हमारा जो होठ है वो आधा खुला हुआ होना चाहिए, नीचे से, नीचे से आधा खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो कौन से ऐसे स्वर है जिनका उच्चारण करते समय हमारा होठ जो है नीचे की तरफ से आधा खुला हुआ होता है, ठीक है, तो वो है ए ओ। देखिए मैं हम देखिए ए ओ, ठीक है, थोड़ा सा खुलता है आधा। उसके बाद तीसरा है विकृत स्वर। विकृत का मतलब कि पूरा खुला हुआ, आ आ, ठीक है ना, जैसे कहते हैं डॉक्टर तो पूरा खुल जाता है, आम तो पूरा मुंह खुल जाता है, इसे कहते हैं विकृत स्वर, ठीक है। तो ये विकृत स्वर कौन कौन सा है, आ और अ, डॉक्टर वाला, ये क्या करना है, यहाँ पे ये विकृत स्वर में आता है, और ये जो है यहाँ पर ये पश्च स्वर में आता है, यादक स्वर कहा जाता है। ये भी याद रखना, सारी चीजें वीडियो घुमा घुमा के देख के ध्यान रख लें। और चौथा है अर्ध विकृत स्वर। अब अर्ध विकृत स्वर में कौन कौन से आते हैं, दिखाई दे रहा है, अर्ध विकृत स्वर, अर्ध विकृत स्वर में कौन कौन से आते हैं, यानी कि हमारा मुख जो है ऊपर पूरा खुला हुआ था अभी तक विकृत में, अब क्या होगा, आधा बंद होगा, ऊपर से आधा बंद होगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, ए, देखो मुंह ऊपर तो खुला खुला, ए, औ, ठीक है, आ, ए, औ, आ, आ रहा समझ में। यदि जब समृद्ध होता है, समृद्ध स्वर में क्या होता है, होठ नीचे की तरफ को थोड़ा सा खुलता है, फिर अर्ध समृद्ध में थोड़ा सा और ऊपर हो जाता है, नीचे की तरफ से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ठीक है। और जब विपरीत होता है तो विपरीत का मतलब कि पूरा मुंह विवर जो है खुल जाता है, और जब अर्ध विपरीत होता है तब ऊपर की तरफ आधा मुंह खुला हुआ होता है। तो जिसमें नीचे की तरफ मुंह थोड़ा सा खुला हुआ होता है उसे समृद्ध स्वर कहा जाता है, इनको कहा जाता है। नीचे की तरफ से जब थोड़ा आधा मुंह खुला हुआ होता है तब उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहा जाता है। ये है विकृत स्वर का मतलब होता है जब मुंह पूरा खुला हुआ हो, ठीक है, तब उसे विकृत स्वर कहते हैं। आ होता है अर्ध विकृत, क्या होता है जिसमें ऊपर की तरफ आधा मुंह खुला हुआ हो, यानी जो गोलाई है वो ऊपर की तरफ हो और आधा हो, तो उसे अर्ध विकृत कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, ए, औ, अ, ठीक है। तो ये थे, ये था हमारा पूरा का पूरा स्वरों के भेद, और ये जो भी इनके भेद हैं ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अभी एक रह गया है अयोगवाह। तो अयोगवाह की मैं परिभाषा बता देती हूँ। अयोगवाह का मतलब क्या होता है, अयोगवाह का मतलब होता है जो स्वरों के पीछे पीछे चलती है, जो स्वरों के वाहक है, ठीक है, ना ये व्यंजन में रहते हैं ना ये स्वर में रहते हैं, लेकिन जब भी ये प्रयोग किए जाते हैं तो स्वर के पीछे प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह, वैसे अयोग है ये लेकिन स्वरों के वाहक है, ठीक है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अब ये चूंकि स्वर के पीछे लगते तो है पर ये व्यंजन है, लिखे नहीं जाते, ना स्वर में लिखे जाते ना व्यंजन में लिखे जाते हैं, ठीक है, ना स्वर में जोड़े जाते हैं ना व्यंजन में जोड़े जाते हैं,
व्यंजन ही होते हैं। ठीक है, मेरी परिभाषा जो मैंने बताई है कि ये स्वरों में लिखे जाते हैं पर स्वरों में जोड़े नहीं जाते हैं, और व्यंजनों में जोड़े जाते हैं पर लिखे नहीं जाते हैं। ठीक है, याद रखें। तो अब हमें क्या लिखना है कि स्वर के बाद ये लगा हुआ है, लेकिन किससे पहले लगा हुआ है? घ से पहले लगा हुआ है। घ क्या है? क वर्ग का चौथा वर्ण है। क, घ, ग, घ और ग। ठीक है, अब ये कौन सा वर्ण है? क वर्ग का चौथा वर्ण है। ठीक है, इसलिए इसलिए अनुसार क वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, पांचवा वर्ण कैसे होगा? इसको ऐसे लिखेंगे और यहाँ मंत्र लगा देंगे। अब इसका सही रूप हुआ और यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक है, आया समझ में कि ये किस तरीके से लिखा जाता है? अब जो विसर्ग है, ये विसर्ग है, अब इस विसर्ग को समझ लीजिए। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। विसर्ग को समझ लीजिए, जैसे लिखना है प्रातः, प्रातः लिखना है तो प्रातः का जो वर्ण विन्यास होता है वो अध होता है, आधा प, रे, बड़ा ए, प्लस त, प्लस है, यानी कि विसर्ग, विसर्ग। और विसर्ग को कहते क्या है? है कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? है कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जब जब हमने इसका वर्ण विश्लेषण किया तो ये जो है प्रातः है, यानी कि एक मिनट यहाँ पर आए छुपा हुआ है, एक मिनट यहाँ आए छुपा हुआ है, प्लस छोटा आ क्योंकि पहले आए छुपा हुआ है, और फिर विसर्ग आया। विसर्ग माने है, विसर्ग का मतलब है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ जो है पै के बाद ए है और ए के बाद विसर्ग लगा हुआ है, जिसका उच्चारण है होता है। है क्या होता है? व्यंजन होता है। तो आपने देखा कि ये दोनों क्या है? व्यंजन है। व्यंजन की में बोले जाते हैं, व्यंजन में उच्चारित किए जाते हैं, लेकिन जो है व्यंजन में लिखे नहीं जाते, स्वरों में लिखे जाते हैं पर उसमें जोड़े नहीं जाते हैं, और व्यंजन में जोड़े जाते हैं पर लिखे नहीं जाते। मूल रूप से क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अयोग वाक का मतलब मैं दोबारा बता देती हूँ। अयोग का मतलब होता है कि इनका कोई योग नहीं है, न स्वर में न व्यंजन में, पर ये स्वरों के वाहक हैं, स्वरों के बाद लगाए जाते हैं, और इनका मूल रूप जो होता है वो व्यंजन होता है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत समझा दिया, समझ में आ गया होगा। और अब इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगला जो मैं वीडियो लेके आऊँ वो आपके पास पहुँच पाए। और यदि आपको अच्छा लगे, किसी और को जरूरत हो, आपको पता हो कि किसी और को ये वीडियो जरूरत है, तो उसके पास आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मुझसे कुछ इसमें भूल जो गलती होती है तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं, मैं उस सुझाव का पालन करूंगी, अपने सुधार करने की कोशिश करूंगी। नमस्कार।